आपको मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया कंटिन्यूटी टॉपिक. कंटिन्यूटी टॉपिक जो है आपके बोर्ड में चार नंबर का आपके पास आता है, फोर मार्क्स का है, वेटेज फोर मार्क्स का है. इसकी डेफिनेशन में मैंने आपको क्या बताया कि कोई भी फंक्शन, एनी फंक्शन, एनी वन फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स बराबर इफ एफ ए माइनस जीरो इज इक्वल टू एफ ए इज इक्वल टू एफ ए प्लस जीरो. वे है ए, ए इज एनी रियल नंबर. ए क्या है? एनी रियल नंबर. ए इज एनी रियल नंबर, इट मीन्स ए बिलोंग्स टू आर. अब इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, वी राइट लिमिट एस टेंड्स टू जीरो एफ ए माइनस एच बराबर एफ ए बराबर एफ ए प्लस एच. इसके बारे में अपने दो तीन एग्जाम्पल पहले वाले वीडियो में लिए. अब आगे जो प्रॉब्लम आएगी उस प्रॉब्लम के लिए पहले अपने को ये जानना कंपल्सरी है कि कौन कौन से ऐसे फंक्शन है जो ऑलवेज कंटिन्यूस होंगे. ऐसे कौन कौन से फंक्शन है, जैसे अपन गॉड गिफ्ट कहते हैं ना, गॉड गिफ्ट है यानी तो हमेशा पास होगा. सिमिलर ऐसे ही एक गॉड गिफ्ट है जो ऑलवेज कंटिन्यूस होते हैं. तो क्या लिखा? फॉलोइंग फंक्शन आर कंटिन्यूस इन डोमेन. डोमेन मीन्स परिभाषित, जिन फंक्शन, जिन वैल्यू पर ये फंक्शन डिफाइंड होते हैं. डिफाइन तो है, जैसे ये थोड़ी है जैसे अपन खाना खाते हैं पांच रोटी खाते हैं, ये थोड़ी है लगातार खाते रहेंगे कंटिन्यूस में. तो सिमिलर ऐसा ही ये फंक्शन है जो ऑलवेज अपने डोमेन में कंटिन्यूस होंगे. कौन कौन से हैं? पहला आइडेंटिटी फंक्शन तत्समक फलन, आइडेंटिटी फंक्शन एफ एक्स बराबर एक्स. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जिस फंक्शन का ग्राफ लगातार अर्थात कंटिन्यूस चलता है वो फंक्शन कंटिन्यूस होता है. तो आप जानते हैं एफ एक्स बराबर एक्स इट मीन्स आइडेंटिटी फंक्शन. अगर अपन इसका ग्राफ देखें, इसका ग्राफ हमेशा ये चलेगा कंटिन्यूस, कभी भी ब्रेक नहीं होगा. सो इज ऑलवेज कंटिन्यूस. नंबर टू कॉन्स्टेंट फंक्शन. कॉन्स्टेंट का मतलब क्या है? जो फिक्स है. जैसे एफ एक्स बराबर सी ए बी लेमडा टू थ्री माइनस वन एंड सो ऑन. इट मीन्स जिसमें वेरिएबल नंबर एक्स वाई और जेड, जिसमें वेरिएबल नंबर नहीं आए देन इज कॉल्ड कॉन्स्टेंट नंबर. कौन कौन से? ए बी सी लेमडा टू थ्री एंड सो ऑन. दिस फंक्शन इज कॉल्ड कॉन्स्टेंट फंक्शन. कॉन्स्टेंट फंक्शन का अगर आप ग्राफ देखते हैं तो ये लगातार एक कंटिन्यूस फॉर्म में चलता है. सो फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूस है. तो कॉन्स्टेंट फंक्शन भी कंटिन्यूस हो गया, आइडेंटिटी फंक्शन कंटिन्यूस है. नंबर थर्ड पॉलिनोमियल फंक्शन. व्हाट इज पॉलिनोमियल फंक्शन? इट मीन्स एलजेब्रिक फंक्शन. फॉर एग्जाम्पल एफ एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टू एक्स प्लस फाइव सेवन एक्स माइनस वन एंड सो ऑन, जिसमें x की पावर कुछ भी हो सकती है, एनी रियल नंबर, देन फंक्शन इज कंटिन्यूस. क्यों? अगर इनका ग्राफ अपन बनाएंगे तो ग्राफ हमेशा एक लाइन में चलेगा. वो किसी भी टाइप का फंक्शन हो सकता है, लाइन फॉर्म में भी है, पेराबोला भी है, हाई पेराबोला भी है. ये फंक्शन जो है ऑलवेज कंटिन्यूस होंगे. तो पॉलिनोमियल फंक्शन इट मीन्स एलजेब्रिक, इट मीन्स बीजगणितीय फलन है. दिस फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूस. नंबर फोर्थ एक्सपोनेंशियल फंक्शन. व्हाट इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन? इफ फंक्शन इज कमिंग पावर फॉर्म, जो घात के रूप में चले. फॉर एग्जाम्पल एफ एक्स बराबर ई की पावर एक्स है, ई की पावर माइनस एक्स है, ए की पावर एक्स है, ए की पावर टू की पावर एक्स है, वन अपॉन टू की पावर एक्स है. दिस फंक्शन इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन. इन फंक्शन का ग्राफ अगर आप देखते हैं, ये आप पढ़ चुके हैं, इसका ग्राफ जो है हमेशा एक लगातार कंटिन्यूस फॉर्म में चलता है, एक इंक्रीजिंग होता है और एक डिक्रीजिंग होता है. सो फंक्शन इज कंटिन्यूस. तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्यों कंटिन्यूस है? ईच पॉइंट पर ये हमेशा कंटिन्यूस में चलता है, कभी भी ब्रेक नहीं होता है. सो फंक्शन इज कंटिन्यूस. नंबर फाइव लॉगरिथम फंक्शन. व्हाट इज लॉगरिथम फंक्शन? लॉग के बारे में आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा. लॉग, लॉग क्या है कि बहुत हार्ड प्रॉब्लम को सोल्व करने में इसका यूज किया जाता है. तो लॉगरिथम फंक्शन कौन से? एफ एक्स बराबर लॉग बेस ए एक्स लॉग बेस ई एक्स लॉग बेस टू एक्स, है ना, इस टाइप के फंक्शन. वे हर ए क्या है? जीरो से बड़ा है, वन से लेस देन है या वन से ग्रेटर देन है. अगर ऐसा है देन फंक्शन इज कंटिन्यूस फंक्शन. तो लॉगरिथम फंक्शन भी ऑलवेज क्या होगा? कंटिन्यूस होगा, क्योंकि इनका ग्राफ कभी भी ब्रेक नहीं होता है. सिमिलर नंबर सिक्स है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपने 11th क्लास के अंदर पढ़ा था, चैप्टर नंबर 3 में. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है कौन कौन से? एफ एक्स बराबर साइन एक्स है, कोस एक्स है,
टेनेक्स है, कोटेक्स है, सेटेक्स है, कोसेटेक्स है, है? दिस फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूस इन डोमेन. अब इसमें आप ध्यान देखते हैं कि साइन एक्स और कोस एक्स ऐसे दो फंक्शन है जो बड़े सिंपल है. इन बेचारों को कैसे भी चलाओ हमेशा ये अल्टरनेटिव फॉर्म में चलेंगे. ये टेन एक्स, कोटेक्स, सेटेक्स और कोसेटेक्स एक स्पेशल कैटेगरी के फंक्शन है. क्यों है? क्योंकि टेन एक्स अगर आप जानते हैं ये आपके पास टेन एक्स का है. अब आगे और अपन इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं कि ये ग्राफ आपके पास ब्रेक होगा टूटेगा. तो आपको मैंने पहले क्लियर कर दिया इनके डोमेन अपने को क्लियर होने चाहिए. तो स्पेशल केस है टेन एक्स, कोटेक्स, सेटेक्स और कोसेटेक्स. बट अपने जो एग्जाम में आते हैं वो डायरेक्ट आते हैं, इसलिए परेशान होने की अपने को परेशान होने की जरूरत नहीं है. इसलिए आप इनको डायरेक्ट ध्यान रखें. ये फंक्शन चार छह साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक्स, ये फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस फंक्शन होगा. इनकी कैटेगरी का ध्यान रखिए इनका डोमेन क्या है. अगर डोमेन क्लियर नहीं है तो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा. ओनली फोर फंक्शन है टेन एक्स, कोटेक्स, सेकेक्स और कोसेक्स. नेक्स्ट आगे देखिए नंबर सेवन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. कौन से होते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन? एफ एक्स बराबर साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स एक्स एंड सो ऑन. दिस फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूस. नंबर एट मॉडुलस फंक्शन है. मॉडुलस फंक्शन कौन से है? एफ एक्स बराबर मोड एक्स है, मोड एक्स माइनस वन है, मोड एक्स माइनस टू प्लस मोड एक्स माइनस थ्री एंड एक्स मोड एक्स है. दिस फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूस. ये आठ ऐसे फंक्शन है जो हमेशा डोमेन में कंटिन्यूस होंगे. कौन कौन से फंक्शन बताए मैंने आपको? आइडेंटिटी फंक्शन, कॉन्स्टेंट फंक्शन, पॉलीनोमियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड मॉडुलस फंक्शन. आठ टाइप के फंक्शन है जो ऑलवेज डोमेन में कंटिन्यू. आपने क्या देखा? आठ टाइप के फंक्शन कंटिन्यूस है. अब नाइन्थ नंबर का क्या है? वो इनका रिजल्ट है. क्या है? इफ टू फंक्शन, थ्री फंक्शन भी हो सकते, फोर भी हो सकते, इफ टू फंक्शन एफ एक्स एंड जी एक्स इज कंटिन्यूस, देन एफ एक्स प्लस जी एक्स, एफ एक्स माइनस जी एक्स, एफ एक्स अपॉन जी एक्स, बट जी एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, एफ एक्स इंटू जी एक्स मल्टीप्लाई है एफ एक्स की पावर जी एक्स, एफ एक्स की पावर जी एक्स, जी ओ एफ एक्स, जी ओ एफ एक्स, एफ ओ जी एक्स एंड सो ऑन इज ऑलवेज कंटिन्यूस. क्या आपने क्या देखा? कि ये फंक्शन अलग अलग कंटिन्यूस है. अब अपने रिजल्ट में क्या देखा? इफ टू फंक्शन, आपको दोनों फंक्शन फॉर एग्जाम्पल मोड एक्स है, साइन एक्स है, दोनों कंटिन्यूस है. अब इनका आपको एड दे दिया तो भी कंटिन्यूस होगा, मल्टीप्लाई दे दिया तो भी कंटिन्यूस होगा, सब्ट्रैक्शन दे दिया तो भी कंटिन्यूस होगा, अपॉन में दे दिया तो भी कंटिन्यूस होगा, पावर में दे दिया तो भी कंटिन्यूस होगा, इनका कंपोजिशन फंक्शन भी कंटिन्यूस होगा. इट मीन्स आपके कंपटीशन के अंदर जो है ये बात इंपॉर्टेंट रहेगी. सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपको अलग अलग कंपटीशन कंटिन्यूस फंक्शन गिवन है तो इनका एड, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेशन एंड कंपोजिशन फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूस. तो आपने क्या देखा? फॉलोइंग फंक्शन इज कंटिन्यूस इन डोमेन. अब सम फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस. अब कौन कौन से ऐसे फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, है? तो इसके लिए देखिए बाप, अब लिखेंगे अपन फॉलोइंग फंक्शन आर नॉट इंपॉर्टेंट है. अब देखिए चल फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट या फॉलोइंग फंक्शन आर नॉट कंटिन्यूस. फॉलोइंग फंक्शन आर नॉट कंटिन्यूस, ऐसे कौन कौन से फंक्शन है जो कंटिन्यूस नहीं है? फॉलोइंग फंक्शन आर नॉट कंटिन्यूस. फॉर एग्जाम्पल देखिए नंबर एक, एफ एक्स बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ऑल इंटीजर नंबर पर ये कंटिन्यूस नहीं है. ऑल इंटीजर नंबर. नंबर टू, एफ एक्स बराबर है वन अपॉन एक्स, एट एक्स बराबर जीरो. आपने देखा इसका कल ग्राफ जो है ब्रेक हो गया था, सो इस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस. नंबर थर्ड है, एफ एक्स बराबर ई की पावर वन अपॉन एक्स, ए की पावर वन अपॉन एक्स, टू की पावर वन अपॉन एक्स,
x बराबर 0 पर ये कंटीन्यूअस नहीं होगा, ओनली x बराबर 0 पर. सिमिलर नंबर फोर्थ है fx बराबर sin 1 upon x है, cos 1 upon x है, है? And so on, 8x बराबर 0 पर ये कंटीन्यूअस नहीं होगा, है? 8x बराबर 0. नंबर 5 है fx बराबर जैसा मैंने भी कहा था 10x है, x बराबर pi by 2 पे कंटीन्यूअस नहीं होगा. cot x है x बराबर 0 पे कंटीन्यूअस नहीं होगा. sec x है, है? x बराबर pi by 2 पे कंटीन्यूअस नहीं होगा. cosec x है x बराबर 0 पे कंटीन्यूअस नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि इन फंक्शन इन पॉइंटों पर ये है इनफाइनाइट होता है और इनफाइनाइट मींस अनडिफाइंड होता है. तो ये अपने को रिजल्ट्स क्लियर होने चाहिए, याद होने चाहिए, ताकि अपने को कंपटीशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आए. तो कौन कौन से फंक्शन है? ये सम इंपॉर्टेंट फंक्शन है. क्या फॉलोइंग फंक्शन आर नॉट कंटिन्यूस? एफ एक्स बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, एफ एक्स बराबर 1 अपॉन एक्स, एफ एक्स बराबर ई की पावर 1 अपॉन एक्स, ए की पावर 1 अपॉन एक्स, 2 की पावर 1 अपॉन एक्स एंड सो ऑन. ये फंक्शन नॉट कंटिन्यूस है. अब अपन ले रहे सम इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स. देखिए किस टाइप के सवाल अपने बोर्ड में आते हैं. नंबर 1, एफ एक्स बराबर 2x स्क्वायर माइनस 1, 8x बराबर 3 पर अपने को कंटिन्यूस का टेस्ट करना है. ये कंटिन्यूस है नहीं है. अब एक सिंपल सा फंक्शन दे दिया. आप इस फंक्शन के बारे में जानते हैं, पॉलीनोमियल फंक्शन है, तो अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं, वी नो दैट गिवन फंक्शन इज पॉलीनोमियल फंक्शन सो इज कंटिन्यूस. बट ये आंसर अपने को केवल कंपैरिजन के हिसाब से देना है. बोर्ड में किस टाइप से देना है? बोर्ड का मेथड देखिए. जैसा कि डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है, आप क्या लिखेंगे? एफ एक्स इज ए कंटिन्यूस 8x बराबर 3 है, इफ ए, अंडरलाइन करेंगे आप इसको, एफ 3 माइनस 0 इज इक्वल टू एफ 3 इज इक्वल टू एफ 3 प्लस 0. ना एफ 3 पहले आप कोई से भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. अपन एफ 3 फाइंड आउट करेंगे. एफ 3 अब इसमें लेस देन ग्रेटर देन कुछ भी नहीं है, है? तो आप क्या करेंगे? 2 3 का स्क्वायर माइनस 1, 2 9 माइनस 1 17 आपके पास आ गया. एफ एल एच एल लेफ्ट हैंड लिमिट एफ 3 माइनस 0 इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0, एफ 3 माइनस एच इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0, 2 3 माइनस एच होल स्क्वायर माइनस का 1. अब ऐसे केस में लिमिट की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दीजिए, 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 1 बराबर 17. सिमिलर आर एच एल एफ 3 प्लस 0 बराबर लिमिट एच टेंस टू 0, एफ 3 प्लस एच इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0, 2. अब इसमें ये यूज होगा क्योंकि लेस देन ग्रेटर देन कुछ भी नहीं दे रखा अपने को. 3 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 1, इट मीन्स एच की वैल्यू 0 पुट करिए, 3 का स्क्वायर माइनस 1 बराबर 17. अब हियर आपने क्या देखा कि एफ 3 माइनस 0 बराबर एफ 3 इज इक्वल टू एफ 3 प्लस 0 बराबर 17. सो एफ एक्स इज कंटिन्यूस 8x बराबर 3. तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन आपके पास आए, आप इस तरह से इसको सोल्व करके बताएंगे बोर्ड के एग्जाम में. अभी 4 मार्क्स का आएगा. अब आपने अपना लक है कि किस टाइप का कौन सा क्वेश्चन आए, तो 4 मार्क्स में आपको ऐसा लिखना पड़ेगा. किसी भी टाइप का क्वेश्चन आपके पास बोर्ड में आए, अदर एग्जाम्पल एक को ले रहा हूं मैं. लेकिन नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2, एफ एक्स बराबर आपके पास है क्या के एक्स स्क्वायर 3, इफ एक्स लेस देन इक्वल टू 2, इफ एक्स ग्रेटर देन 2 इज कंटिन्यूस 8x बराबर 2. ऐसा भी एग्जाम्पल आ सकता है जिसमें आपको कंटिन्यूस गिवन है. क्या गिवन है? कंटिन्यूस गिवन है फाइंड k, बताओ k की वैल्यू क्या होगी. अब आपको कंटिन्यूस गिवन है, इसमें तो अपने कंटिन्यूस फाइंड आउट किया था, बट इसमें कंटिन्यूस गिवन है. सो अब कैसे करेंगे? यहां लिखेंगे गिवन एफ एक्स इज कंटिन्यूस 8x बराबर 2. सो अब देखो लैंग्वेज में केवल दो ही टाइप के सवाल है, या तो इस टाइप के या फिर इस टाइप के. तो x बराबर 2 पर ये क्या दे रखा है? कंटिन्यूस है. सो एफ 2 क्या लेंगे आप? दो ही केस लेंगे केवल, चाहे तो तीनों लिख लो, अदरवाइज दो. कौन कौन से? एक इक्वल वाला और एक ग्रेटर देन वाला. कैसे? बराबर का है तो एक बार तो इसको काउंट करेंगे, एक बार इसको. सो एफ 2 इक्वल टू क्या हो गया? एफ 2 प्लस 0 एफ 2. अब देखो आप बराबर का साइन, बराबर का साइन, यहां पर 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर 4
4k is equal to limit s tends to 0 f 2 plus h. जैसा कि मैंने आपको कह रखा है 2 plus 0, 3 plus 0, ये देखो a plus 0, a plus h, h, h अपन ऐड कर दिया. अब आप ये वैल्यू 2 plus h 2 से ग्रेटर देन है, 2 से ग्रेटर देन कौन है? 3. तो यहाँ पर क्या गया? 4k बराबर 3, then k बराबर क्या गया? 3 by 4 आंसर. ये आंसर आ गया आपके पास. तो इस टाइप से अपन इन सवालों को करते हैं सॉल्व. इस टाइप से जिसमें गिवन है वैसे और नॉट गिवन है तो अपने को ऐसा करना पड़ेगा. एक एग्जांपल और बता रहा हूं जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा बोर्ड में आया हुआ सवाल ही आपके बोर्ड में. देखिए किस टाइप का सवाल है. थर्ड एग्जांपल है fx, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये. इस टाइप के सवाल fx बराबर 5 इफ x लेस देन इक्वल टू 2. नेक्स्ट है ax plus b if 2 से ग्रेटर देन x लेस देन 10 और 21 if x ग्रेटर देन इक्वल टू 10 इज कंटीन्यूअस ऑल पॉइंट. ऑल पॉइंट पे कंटीन्यूअस है, फाइंड a एंड b, a और b. तो देखो आपको क्या गिवन है, ऑल पॉइंट पे कंटीन्यूअस है. किसी सवाल में तो ऑल पॉइंट लिख देता है और उस क्वेश्चन में क्या लिखता है, जैसे इसमें यही चेंज कर देता है इंटरवल 2 से 10 ऐसा भी लिख देता है, कभी इंटरवल लिख देता है कभी ऐसा लिख देता है. दोनों बातें अपने को क्लियर होनी चाहिए. अब आपको क्या करना है, कंटिन्यूशन ठीक है, कंटिन्यूस है तो अपने को किसके वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ए और बी की. अब आप देख रहे हैं तीन केस है इसमें, एक दो और तीन केस है. तो अपन क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, दो के लिए लेंगे फिर दस के लिए. ऐसा क्यों भाई, क्योंकि दो के लिए लेस देन ग्रेटर देन और टेन के लिए लेस देन ग्रेटर देन. अब कई बच्चे पूछते हैं सर तीन ले लो क्या, नहीं ले सकता थी. क्यों, तीन के लिए वो केस नहीं है जिससे अपन दो इक्वेशन फाइंड आउट कर सके. तो यहां पर अपने को वही केस लेने हैं जहां पर लेस देन ग्रेटर देन और इक्विवेलेंट साइन गिवन है. सो हियर एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स बराबर 2. सो अंडरलाइन. अब आप देख रहे हैं बराबर का साइन है तो बराबर ले लेंगे अपन इसको. एफ टू इज इक्वल टू 2 से ग्रेटर देन, क्यों, क्योंकि मैंने क्या कहा, एक तो इसको इक्विवेलेंट वाले को काउंट करना है और फिर इससे ग्रेटर देन वाले को काउंट करना है. एफ टू प्लस जीरो, एफ टू की वैल्यू क्या भाई, 5, ये 5 आ गया. इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ टू प्लस एच, 5 बराबर लिमिट एच टेंस टू 0. अब 2 प्लस एच में क्या है, 2 प्लस एच का मतलब है 2 से ग्रेटर देन. 2 से ग्रेटर देन कौन है, ये a 2 प्लस एच प्लस बी, क्या 2 प्लस एच प्लस बी. अब लिमिट के वैल्यू डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, 5 बराबर 2a प्लस बी, इक्वेशन नंबर 1. सिमिलर इज कंटिन्यूस 8x बराबर 10. सो क्या जाएगा, यहां पर x बराबर 10 पे भी ये कंटिन्यूस है. सो f 10, अब देखो 10 ये रहा और 10 इसमें भी है, तो अपन 10 तो ये ले लिया और लेस नहीं लेना पड़ेगा क्योंकि इक्वल का साइन इसमें है. तो अब क्या लिखेंगे आप यहां पर, f 10 माइनस 0, क्यों भाई, इसमें इक्वल का साइन नहीं है और अपने को दोनों लेना है. अब दोनों लेने के लिए एक में 10 माइनस 0 एक में 10 लेना पड़ेगा. f10 की वैल्यू कितनी है, 21 बराबर लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 10 माइनस एच. तो 21 इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 10 माइनस एच. 10 माइनस एच मीन्स है ए 10 माइनस एच प्लस का बी. तो क्या 21 बराबर 10 ए प्लस बी, क्यों, एच की वैल्यू 0 पुट कर दी, इक्वेशन नंबर 2. नाउ सोल्व 1 एंड 2. इक्वेशन 1 और 2 को सोल्व करेंगे अपन कैसे, 10a प्लस बी बराबर 21 एंड 2a प्लस बी बराबर 5. इन दोनों को सोल्व करिए, सेपरेट कर दीजिए 10 से क्या गया, 8a बराबर 16 देन a बराबर 2. अब a बराबर जो 2 आया वो पुट कर दो, पुट इन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए. यहां पर a की वैल्यू पुट किया, 5 बराबर 10 नहीं, 2 को रखेंगे तो 4 आएगा, 4 प्लस बी देन बी इज इक्वल टू क्या हो गया, 1. सो ए बराबर 2 और बी बराबर 1 आंसर. ऐसा अपने को सवाल का जवाब देना है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है. अब आपके लिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट सवाल और दे रहा हूं जो बोर्ड के अंदर आपके पास आते हैं.
मैंने आपको कंटिन्यूटी के बारे में बताया और साथ के साथ अपने कुछ एग्जांपल किए, कुछ रिजल्ट्स अपने समझे, उनके बेस्ड आपको मैंने ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ जो आपको बोर्ड में और आने वाले कंपटीशन में आपको हेल्प मिलेगी। अगर ये क्वेश्चन आपको या वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो में अपन डेरिवेटिव के बारे में डिस्कशन करेंगे।